स्वागत है बच्चों फिर से आपके अपने ईटीवी क्लासेस में। मैं अमित सर, आपका मेंटर, फिजिक्स मेंटर। हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम लोग लास्ट छोड़ करके गए थे, यानी कि मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम लोग सेक्शन क्या कर रहे थे, वेक्टर। वेक्टर में आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है, देखिए, एडिशन ऑफ वैक्टर्स। क्या है एडिशन ऑफ वैक्टर्स? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वैक्टर्स हम लोग समझते क्या है। डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पे नहीं आके पहले उसको प्रैक्टिकल थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेरे पास कोई एक बॉल है, इस बॉल पर मैं F1 फोर्स लगा रहा हूँ। मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ? F1। और आप फोर्स लगा रहे हैं F2। इस बॉल को मैं इधर ले जाना चाह रहा हूँ और इस बॉल को आप इधर ले जाना चाह रहे हैं। तो बात आता है कि ये बॉल जाएगा किधर, ये किसका सुनेगा? एक टीचर का बात सुनेगा या फिर एक स्टूडेंट का बात सुनेगा? तो बात सुनेगा दोनों का। तो जब दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये किधर जाएगा? तो बीच में कहीं पर जाने का चांसेस है, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए या फिर इधर जाए। वो डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आया? तो एक्चुअली इसके पीछे क्या राज है और क्या होने वाला है, इसके पीछे का थ्योरी क्या है, हम लोग ये सब आज बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग वेक्टर में दो लॉ पढ़ते हैं। एक है, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बात आता है कि दो लॉ क्यों है, दो लॉ का जरूरत था नहीं, बट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। और हम लोग समझते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन पर अगर हम बात करेंगे तो अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है और कोई दूसरा वेक्टर मेरे पास मान लीजिए ऐसे है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर अरेंज करना है तो हम लोगों को पता है वेक्टर का एक प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसी चीज को अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ये जहां है वहीं रह जाएगा, इस चीज को मैं अगर यहां से उठा करके यहां लेके आ जाऊं, ठीक है, ये था मेरे पास ए वेक्टर और ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर। तो अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा किसी, ये ट्रायंगल का दो साइड के जैसा है। तो जो तीसरा साइड होगा, यानी कि इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये अगर जो तीसरा साइड होगा ये आपको क्या बताएगा, बताइए, ये आपको बताएगा इसका डायरेक्शन। बात समझ में आया? इसी चीज को, यानी कि जो मेरे पास दो वेक्टर था इसी को हम लोग और कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो मेरे पास ए वेक्टर था कुछ ऐसा, तो ए वेक्टर हो गया, और मेरे पास क्या था, बी वेक्टर यहां था। तो इसी चीज को मैं इस तरह से यहां पर कर लेता हूं, बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर इस चीज को एक पैरेललोग्राम की तरह ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होता है वो हमको बताता है रिजल्टेंट। तो देखिए उसी वेक्टर को, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो था उसी को अगर अरेंज हम अलग अलग तरीके से कर दें तो अलग अलग लॉ बन जाता है। अगर ट्रायंगल से कर दे तो ट्रायंगल लॉ हो गया, अगर पैरेललोग्राम बना दे तो पैरेललो। बोले कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास आने वाला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या है ट्रायंगल ऑफ एडिशन? तो व्हेन टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जब हम दो वेक्टर ले रहे हैं और दोनों वेक्टर क्या है, ट्रायंगल का दो साइड है, देन द थर्ड साइड, अच्छा इन सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि वेक्टर में दो चीज होते हैं, एक होते हैं हेड और एक होते हैं टेल। तो अगर मेरे पास टेल हेड अगर इस ऑर्डर में चला जाए, तो अगर ये ट्रायंगल का दो साइड है तो जो तीसरा साइड होगा, थर्ड वन इज, ये ओपोजिट ऑर्डर में होगा। ओपोजिट ऑर्डर मतलब क्या? तो अभी हमने देखा था ये टेल था, ये हेड था, फिर टेल हुआ, फिर हेड हुआ, फिर टेल होना चाहिए था, बट टेल नहीं होके तो तीसरा जो साइड बन रहा है वो इसके ओपोजिट ऑर्डर हो गया, यानी कि टेल मिल गया और ये हेड मिल गया। तो जो तीसरा ओपोजिट साइड आ रहा है ये हमको क्या देगा, तो ये हमको रिजल्टेंट देगा। क्या देगा? रिजल्टेंट। यानी कि अगर ए वेक्टर इधर गया, बी वेक्टर इधर गया, तो रिजल्टेंट हमको ऐसे मिल गया, एंड द रिजल्टेंट इज ए प्लस बी। बस बात लेकिन आता है कि सर अगर हम रिजल्टेंट तो निकाल रहे हैं ठीक है, बट रिजल्टेंट में हमारे पास दो चीज होता है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगले स्टेप में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से अगर दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के हेल्प से अगर ऐड करते हैं हम लोग, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
और बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो हमारे पास हमको दो वेक्टर लेना होगा, तो दो वेक्टर लिया जाए। तो लेट अस कंसीडर, ये है मेरे पास कोई ए वेक्टर और ये है मेरे पास कोई इस तरह से बी वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, तो ट्रायंगल का ये दो साइड हो गया, तो अब रिजल्टेंट किधर बनने वाला है, तो रिजल्टेंट बनेगा ये तीसरे साइड में एंड द थर्ड साइड इज ऑपोजिट इन ऑर्डर, और ये हमको क्या देगा, तो रिजल्टेंट देगा। ये हम जान चुके थे, बट रिजल्टेंट में हमको दो चीज़ फाइंड करना होगा, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, मानते हैं हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और ये सी, और इस पर दे देते हैं हम लोग एम। तो ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, और इस एंगल को ले रहे हैं हम लोग थीटा, एंड दिस एंगल इज लेते हैं हम लोग बीटा। बोलिए कोई दिक्कत, अब जा बात को समझिए। हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए इन ट्रायंगल बी सी एम या फिर बी एम सी, बी एम सी, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लेते हैं, क्या लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर दैट इज सी एम, सी एम, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी, बी सी। देयरफोर यहाँ से अगर हम सी एम निकालेंगे तो सी एम इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी मेरे पास क्या है, देखिए तो बी सी इज बी, तो यहाँ लिख लेंगे बी साइन थीटा, ये क्या आ गया मेरे पास, बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, नाउ अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, डैट इज बी एम, बी एम अपॉन बी सी। तो देयरफोर बी एम इज इक्वल्स टू बी सी इज अगेन बी, दैट इज बी कॉस थीटा। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से इन ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल नहीं लेकर के हम लोग यहां से काम कर सकते हैं, हम लोग यहां लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एम, दैट इज ए एम इज इक्वल्स टू ए बी, क्या है ए बी ए, तो ए प्लस बी एम क्या है मेरे पास, बी एम, बी एम हम लोग निकाल चुके हैं, बी एम इज बी कॉस थीटा, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। अब सबसे सिंपल काम करना है हम लोगों को, ट्रायंगल ए सी एम में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाएंगे तो लिखेंगे नाउ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिए, ए सी मेरे पास क्या है, ए सी इज आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम क्या है मेरे पास, ए एम देखिए हम निकाले हैं, ए एम निकाले हम, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा जिसका स्क्वायर प्लस सी एम मेरे पास क्या है, देखिए सी एम निकाल चुके हैं हम लोग, बी साइन थीटा, क्या है, बी साइन थीटा। देयरफोर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें आ जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बी साइन थीटा का स्क्वायर था, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉमन निकलेगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस बचा क्या है टू ए बी कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो वन खत्म, तो प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो देयरफोर
यानी कि हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो therefore r इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर उधर गया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें अभी और क्या निकालना है, डायरेक्शन। देखिए कोई दिक्कत तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं डायरेक्शन पे। देखिए डायरेक्शन के लिए यहाँ पर समझना होगा हम लोगों, हमारे पास जो था, हमारे पास क्या था, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और हम लोग ले रहे थे, ये था मेरे पास आर वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हम किधर जाना चाहते हैं, किधर जाएगा, हम नहीं जाना चाहेंगे, हमारा जो वेक्टर है वो जाएगा, किधर जाएगा एक्चुअली में। तो बात को समझिए, अगर जाना चाहेगा तो ये डिपेंड करेगा इस एंगल पे, और ये एंगल हम लोगों ने ले चुका है क्या, बीटा। देखिए स्लाइड चेंज करके आप बैक करके देख लीजिए, बीटा, यानी कि अब हम लोग क्या निकालना होगा, बीटा। तो बीटा निकाला जाए भाई, तो बीटा निकालने से पहले एक बार ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये एम था, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को, चलिए यहाँ पे एंगल था मेरे पास थीटा। तो मेरे पास जब हम निकालेंगे इसे बीटा, तो हमको क्या यूज़ करना होगा, टेन बीटा। टेन बीटा क्या होता है मेरे पास, पी बाई बी, पी बाई बी निकाला जाए भाई। परपेंडिकुलर इज मेरे पास सी एम बाई पी बाई बी, बेस, बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एम, ए एम। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल्स टू सी एम, मेरे पास क्या था, सी एम याद है, नहीं याद आ रहा है, ये था मेरे पास b sin थीटा, देख लीजिए, और भाई ए एम क्या था, a प्लस बी cos थीटा। तो therefore बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये आ गया मेरे पास डायरेक्शन। तो हम लोग दो चीज़ देखें, एक डायरेक्शन देखें और एक हम लोग मैग्नीट्यूड देखें। मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास ट्रायंगल लॉ। बोलिए कोई दिक्कत, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जैसा कि हम लोग अभी पहले बात कर चुके हैं कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ दोनों सेम चीज़ है, बस नज़रिया का फ़र्क है, बाकी रिजल्टेंट जो है मेरे पास दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला। और जब रिजल्टेंट सेम होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ध्यान देते हैं पहले कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, थोड़ा सा इसके हम लोग डेफिनेशन पर बात करते हैं, समझ चुके हैं ऑलरेडी, उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर टेकन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। यही हमको क्या देगा, रिजल्टेंट। फिर अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। अगर करना होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको लेंगे हम लोग ट्रायंगल ए, इसको लेंगे ट्रायंगल बी, इसको लेंगे ट्रायंगल सी, इसको लेंगे एम, यहाँ पे हो जाएगा एंगल बीटा और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो फिर इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम लोग आगे क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों सब सेम चीज़ है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे पास ए वेक्टर हो रहा है, ये मेरे पास बी वेक्टर हो रहा है। तो अगर पैरेललोग्राम के जैसा इसको अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो जो डायगोनल होगा फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ रहा है तो हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है पहले से कि दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो दैट इज आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा।
ये क्या आ गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड, एंड द बीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या आ गया डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। बोलिए कोई दिक्कत, आराम से दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? चलिए दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ करके विदाउट एनी डाउट आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आइए और हमारे पढ़ाई का आनंद उठाइए, आप आ सकते हैं, ज़रूर आइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है पॉलीगॉन लॉ। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दोनों में क्या देख रहे थे कि दो वेक्टर्स आ रहे थे, ए वेक्टर और वी वेक्टर, बट अगर दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, जरूर हो सकता है। हम लोग पहले क्या एग्जांपल लिए कि एक बॉल है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, अब ऐसा बॉल हो जाएगा इसमें हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, आपके दोस्त भी लगाएंगे, मेरा दोस्त लगाएंगे, बाकी सारे लोग लगाएंगे, तो यानी कि बहुत सारा फोर्सेज आ गया, बहुत सारा फोर्सेज मतलब बहुत सारा वेक्टर्स, बहुत सारा वेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन लॉ, पॉली पॉली का मतलब बहुत, तो पॉलीगॉन लॉ अप्लाई किसमें होगा, तो ध्यान दिया जाए, तो अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर है इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर, देन अगर सारा का सारा सेम ऑर्डर में जा रहा है तो जो क्लोजिंग साइड होगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग साइड होगा, तो ये क्लोजिंग साइड ओपोजिट ऑर्डर में आएगा और वो हमको बताएगा रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अगर आपको निकालना है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फंडा इसमें लगाना है, ध्यान दीजिए, अगर ए और बी के बीच का निकालना है तो इसको हम कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके बीच का निकालना है तो यहाँ पे हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहाँ निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, एंड ये तो आ रहा है, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, एकदम ईजी है। यानी कि अगर आपको पॉलीगॉन लॉ को सॉल्व करना है तो यूजिंग क्या ट्रायंगल लॉ आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलिए तो अब हम लोग बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस पे, देखिए पढ़ा जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू वेक्टर्स F1 एंड F2 मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डायग्राम हम लोग देखे हैं कि एक मेरे पास बॉल था जिसपे F1 वेक्टर लगा रहे थे हम, F2 वेक्टर लगा रहे थे आप, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, तो कब हो सकता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो आपके नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से आप सोचिए कि अगर इस बॉल को हमको इस बॉल पर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स जिधर लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आप भी फोर्स लगाएंगे तो इस बॉल पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और अगर मिनिमम लगाना है तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं आप लगाएगा इधर, तो सबसे कम फोर्स कब लगेगा, उसी कंडीशन में लगेगा, लगेगा ना जी। तो चलिए उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि F1 वेक्टर तो है इस डायरेक्शन में ऑलरेडी है मेरे पास F1 वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में अगर हम F2 वेक्टर भी ले लें, मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तब मेरे पास फोर्स मैक्सिमम होगा। और दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है मेरे पास, तो दूसरे कंडीशन में है कि F1 तो है ही मेरे पास, F2 अगर इधर ले लें हम, यानी कि एंगल ये पूरा 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी मिनिमम, यही ना होगा। चलिए सॉल्व किया जाए, तो एज हम लोगों को पता है कि R इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला देखें, बट यहाँ पर हम लोग ए बी नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है फोर्स ले रहे हैं, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो कितना होगा थीटा, अभी फिलहाल थीटा लिखते हैं, अब बताइए तो हेयर थीटा विल बी मैक्सिमम के लिए थीटा विल बी 0 डिग्री फॉर मैक्सिमम, बोलिए बात समझ में आया।
तो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस जीरो डिग्री। तो आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू। आपको इस फॉर्मूला को देख करके लग रहा होगा कि ये कोई होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर। तो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो एफ वन प्लस एफ टू। जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला कि अगर जीरो डिग्री होगा तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट व्हाट कंडीशन, व्हेन थीटा विल बी जीरो डिग्री, जीरो डिग्री देन द मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। एंड नाउ फॉर मिनिमम, अब हम बात करेंगे मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या होगा, जरा आप खुद सोचिए कि जहां पर कॉस जीरो डिग्री था, जीरो डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, हम लोगों ने अभी बात किया 180 डिग्री। तो देयर फोर फॉर मिनिमम, तो ये आर मैक्स था, ये मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री इज माइनस वन। तो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू, एंड दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो देयर फोर डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं तो आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए माइनस बी। बोलिए कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे आके मिलिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन इच। दो वेक्टर मेरे पास, दो फोर्स है मेरे पास, जिसमें हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन इच, एक्ट एट ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पूछा गया, सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि आपको दो चीज निकालना है, तो निकाला जाए, काम चालू किया जाए। चलिए हम देखते हैं, पहले हम बनाते हैं कि पहले आप बनाते हैं, रेस हो जाए, देखा जाए। चलिए तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल्स टू, हमको पता है रूट अंडर क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 8 इंटू 8 कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत, तो आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 64 प्लस 64 प्लस 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, ठीक है। तो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 64 प्लस 64 प्लस अगेन 64, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 192, यानी कि आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 192। अब इसको आप बाकी रूट में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, कितना आ गया जी 8√3, क्या आ गया न्यूटन। बोलिए कोई दिक्कत, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था जी, याद है, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था मेरे पास बीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स, यही था ना जी, या फिर अगर इससे नहीं कीजिएगा तो आप नॉर्मल टैन बीटा से ही निकालते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए टैन बीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, याद है, बी साइन थीटा, बी मतलब 8 साइन 60 डिग्री बाई 8 प्लस 8 कॉस 60 डिग्री, यही होगा। तो देयर फोर 8 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 बाई 8 प्लस 8 कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 8/2। तो देयर फोर यहाँ से आ जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई
8 plus 4, that means 4 by 12 root 3, यानी कि root 3 upon 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by root 3. तो tan बीटा कितना है? 1 by root 3. therefore tan बीटा is equals to 1 by root 3. 1 by root 3 कितने एंगल पे होता है, याद है किसी को? इतना टाइम लगाइएगा सोचने में, कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री. तो therefore बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. देखिए आराम से बना क्वेश्चन, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, नोट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए तो अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन. ये मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है. रेगुलर का मतलब सारे वेक्टर्स जो होगा सारा साइड सेम होगा. वो इज द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, वो जो है वो सेंटर ऑफ हेक्सागोन है. तो बोला जा रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस बराबर बोला जा रहा है 6AO के बराबर है, 6AO. तो अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है पहले उसको नोट किया जाए. तो ये है मेरे पास ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर एंड प्लस ए एफ वेक्टर. तो हम क्या देख रहे हैं, AO तो डायरेक्ट मेरे पास नहीं है, तो हम ए डी से निकाल सकते रिलेशन. तो सबको हम ए डी के रेस्पेक्ट में कोशिश करेंगे ले जाने का. तो देखिए ए बी जैसे है वैसे रहने दिया जाए, तो ए बी को ए बी रहने दिए. ए सी, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी. इसके जगह क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी जैसे है वैसे रहने दिया, ए डी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे. प्लस ए ई वेक्टर पर ध्यान दीजिए, ए ई, ए ई निकालना है हमको, ए ई निकालना है. पहले हम लोग निकाल रहे थे बी सी, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए ई. तो ए ई जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए डी प्लस डी ई. क्या हो जाएगा, ए डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर होगा. प्लस देखिए ए डी हो गया, ए ई हो गया, अब एफ, ए एफ पे बात करते हैं. ए एफ आपको दिख रहा होगा, अगर हम ए एफ या फिर ए डी ई एफ में देखें तो ये एक पॉलीगोन के जैसा बिहेव कर रहा है. तो ये अगर ओपोजिट ऑर्डर में तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी हो जाएगा ए डी वैक्टर प्लस डी ई वेक्टर एंड प्लस ई एफ वेक्टर. अब देखिए इसको भी देखते हैं हम लोग, कुछ कैंसिल आउट होने का चांस लग रहा है क्या. ए बी वेक्टर, देखिए ए बी वेक्टर इसे जा रहा है, डी ई वेक्टर ये आ रहा है. तो ए बी वेक्टर जो होगा इसको काटा जाए, देखिए डी ई वेक्टर जो होगा वो कटेगा किससे, एक ए बी वेक्टर के साथ. अब देखिए बी सी जो जा रहा है वो ई एफ के साथ कटेगा, तो ई एफ जो है वो बी सी के साथ कटेगा. देखिए अब मेरे पास क्या बच रहा है, फिर एक और ए बी और एक और डी ई कटेगा. देखिए ए बी और फिर डी ई, तो बच क्या रहा है, देखिए ए डी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू थ्री ए डी. और हम देख रहे हैं कि ए डी जो है वो ए ओ का आधा है, दुगना है, सॉरी दुगना है. तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू ए ओ, दैट इज 6 ऑफ ए ओ. तो ये आपका था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए. नोट कर लिए, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है होमवर्क. तो देखिए ये है मेरे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दोनों दिया हुआ, तो आपको निकालना क्या है, दोनों के बीच का थीटा निकालना है. ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, आप लोग प्रेम से बनाइए, आराम से सोचिएगा. अगर नहीं बना तो आप आपके अपने ई टू ई क्लासेस में आपका स्वागत है. आप क्लासेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता है, आप आइए डाउट पूछिए आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के पार्ट 3 में चलेंगे, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए टाटा. Thank you.